डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बानसू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन ने टॉपिक पढ़ा था पिछला समान संबंध विखंडन, उसी के अंदर टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है समान संबंध विखंडन, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीविज, समान संबंध विखंडन के दौरान जो प्राप्त यौगिक होता है जिसमें एक विषम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, समान संबंध विखंडन के दौरान प्राप्त यौगिक जिसमें विषम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो क्या कहलाता था? मुक्त मूलक कहलाता है। ये जो मुक्त मूलक है वो अत्यंत क्रियाशील होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। देखें, मुक्त मूलक जो होते हैं, मुक्त मूलकों में जैसे Cl है, क्लोरीन मुक्त मूलक है, क्लोरीन मुक्त मूलक, CH3 मैथेन मुक्त मूलक, C6H5CH2 बेंजील मुक्त मूलक, ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक है, मैथिल मुक्त मूलक है, बेंजील मुक्त मूलक है, इन पर विषम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण क्या होते हैं? अत्यंत क्रियाशील होते हैं, ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं। ये जो मुक्त मूलक है वो कैसे होते हैं? अत्यंत क्रियाशील होते हैं। विषम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण कौन से गुण दर्शाते हैं? प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। विषम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। विषम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। मुक्त मूलक जो है वो निम्नलिखित कारकों की उपस्थिति के में बनते हैं। ये जो मुक्त मूलक होते हैं वो किसकी उपस्थिति में बनते हैं? निम्नलिखित कारकों की उपस्थिति में बनते हैं, जैसे उच्च ताप है, अधिक ऊर्जा युक्त विकिरणें हैं, परोक्साइड की उपस्थिति एवं अध्रुवीय विलय। इन कारक की जो प्रेजेंस जब होती है तो किसका निर्माण होता है? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे ध्यान रखना है, मुक्त मूलक निम्नलिखित कारकों की उपस्थिति में बनते, मुक्त मूलक जो होते हैं वो निम्नलिखित कारकों की उपस्थिति में बनते। कौन कौन से कारक होते हैं? उच्च ताप है, फर्स्ट फैक्टर होता है उच्च ताप। नंबर टू पे अधिक ऊर्जा युक्त विकिरण, अधिक ऊर्जा युक्त विकिरण। नंबर थर्ड परोक्साइड की उपस्थिति। नंबर चार अध्रुवीय विलय। जो मुक्त मूलक होते हैं निम्नलिखित कारकों की उपस्थिति में बढ़ते हैं, उच्च ताप है, अधिक ऊर्जा युक्त विकिरण है, परोक्साइड की उपस्थिति है, अध्रुवीय विलय। अब जिसमें मैथिल मुक्त मूलक की जो अक्षीय संरचना की मैं बात कर लेता हूं, मैथिल मुक्त मूलक, यहां से मैं किसकी बात करूंगा? मैथिल मुक्त मूलक की कक्षीय संरचना। सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है और ये सिग्मा बॉन्ड होता है। ये जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। इसकी संरचना ये मैथिल मुक्त मूलक की
कक्षीय संरचना मैथिन जो मुक्त मूलक है उसके कक्ष की संरचना इस प्रकार की होती है। उसमें जो ये विषम इलेक्ट्रॉन है ये असंकरित विषम इलेक्ट्रॉन जो होता है असंकरित पी कक्षक के मध्य उपस्थित होता विषम इलेक्ट्रॉन विषम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन असंकरित पी कक्षक के मध्य उपस्थित होता है। विषम जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है असंकरित पी कक्षक के मध्य उपस्थित होता आकृति जो होती है इसकी समतल त्रिकोणीय होती है। इसकी जो आकृति होती है डियर स्टूडेंट इस प्रकार की होती है समतल त्रिकोण। कार्बन परमाणु जो होता है s की त्रिसंकरण होता है। आकृति जो होती है इसकी समतल त्रिकोणीय होती ये होती है मैथिल मुक्त मूलक की कक्षीय संरचना। डियर स्टूडेंट यहाँ से जो मैथिल मुक्त मूलक है उसकी जो कक्षीय संरचना में आपने देखा। अब मुक्त मूलक यानी जिस कार्बन पे विषम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो कार्बन जितने कार्बन परमाणु से जुड़ता है वो उतने ही डिग्री का मुक्त मूलक कहलाता है। मुक्त मूलकों के स्थायित्व के क्रम की बात की जाए तो 3 डिग्री जो मुक्त मूलक होता है वो ज्यादा स्थायी होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर सिंपल। तो नेक्स्ट में पॉइंट बात कर रहा हूं मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम यानी कि CH3 का होल 3 सी रेडिकल सबसे ज्यादा होता है, फिर CH3 का होल 2 CH रेडिकल CH2 रेडिकल फिर CH3 रेडिकल यानी कि मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम ये होता है। यानी कि सबसे ज्यादा स्थायी मुक्त मूलक होता है 3 डिग्री मुक्त मूलक, फिर कौन होता है 2 डिग्री और फिर क्या होता है 1 डिग्री यानी ये कहलाता है मुक्त मूलकों की स्थायित्व का क्रम। तो यहाँ से ये ध्यान रखना कि जो मुक्त मूलक है वो निम्नलिखित कारकों की उपस्थिति में बनते हैं। कौन कौन से कारक ध्यान रखने उच्च ताप है अधिक ऊर्जा युक्त विकिरण है परोक्षण की उपस्थिति है ध्रुवीय विलायक। अब मुक्त मूलकों की स्थायित्व क्रम के आधार पर 3 डिग्री सबसे ज्यादा फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री और मैथिल मुक्त मूलक की कक्ष की संरचना इस प्रकार की होती है जिसकी जो संरचना में जो कार्बन परमाणु है वो sp3 संकरित होता है, आकृति समतल त्रिकोणीय होती है, एंगल का मान 120 होता है, विषम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पी कक्षक के मध्य उपस्थित होता है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी।